हेलो दोस्तों, की हाल है, कैसे हो? आज हम लेके आ रहे हैं एक सबसे बड़ा अपडेट, जो कि आपने सुना ही होगा। निमी निमी पोर्टल पे हमने आरपीएल के बारे में बताया था। सीआईटीएस आरपीएल क्या है, कैसे है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो डाल चुके हैं। आज हम आ रहे हैं एक सबसे बड़ी अपडेट को लेके। ये अपडेट है, टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है एग्जाम के लिए, वो हम देखेंगे कब और कैसे है। पहले तो हम अपनी जो चार्ट को आप पॉज करके देख सकते हो कि ये डेट्स है, तो ये एग्जाम्स किस प्रकार से आने वाले हैं हम बता देंगे आपको। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। जिन्होंने पीओटी जो भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं और जो भी जो बताया गया था करना है, उसको सबमिट करने के बाद में जो भी ग्रेड क्लियर करेंगे उनको रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा? 5 तारीख से लगभग लगभग 16 तारीख तक रजिस्ट्रेशन करनी होगी। इस रजिस्टर में आपको एग्जाम फीस भी पे करनी होगी। रिमेम्बर, ये वही लोग करेंगे जिन्होंने इसके पहले वाला फेज जो है असाइनमेंट वगैरह पीओटी का जो भी लेसन लेसन वगैरह लेके 1 मंथ का कोर्स जो होता है ना, वो कंप्लीट जिन्होंने किया है उनको। उसके बाद में क्या होगा, देखिए उसके बाद में होगा, ये आपका काम नहीं है, ये है आरएसडी का काम है। ये मैपिंग करेंगी, आपने जो भी फॉर्म भरते वक्त एग्जाम सेंटर को जो भी चूज किया है उस हिसाब से वो देखेंगे कि किसको कहाँ पे डालना है और मैपिंग करेंगे। मैपिंग ऑफ ये लगभग लगभग 17 तारीख से 27 तारीख तक चलेंगी। इसके बाद में आपको पता चलेगा कि आप, मतलब आपको नहीं पता चलेगा लेकिन उनको पता चलेगा कि कहाँ पे किसको कैसे डालना है। उसके बाद में ही हॉल टिकट जनरेट करने के लिए ऑप्शन आएगा, यानी कि 28, 29 को और 30 को हॉल टिकट जनरेट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इन्होंने 3 दिन दिया है ताकि इन तीनों दिनों में कभी भी ये 1 दिन में हो के जाएगा। और जब जबकि हॉल टिकट जनरेट हो रहा है, आपको डाउनलोड के भी ऑप्शन आ सकता है 31 को। 31 को आपको हॉल टिकट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, ये सब हो रहा है कभी? ये सब हो रहा है, देखो भाई साहब, जुलाई मंथ में, यानी कि अभी कौन सा महीना चालू है, अभी जून चालू है, लगभग लगभग 2-3 दिन बचा है, बस 2 या 4 दिन बचे हैं बस, बराबर है ना? तो अगला महीना जुलाई में, देखो भाई साहब, रिमेम्बर, भूलना नहीं, 5 तारीख डेट दी है जुलाई महीने का, आगे नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दे दो, ठीक है? तो चलेंगे हम अपने अगले, जुलाई के बाद में कौन सा महीना था, अगस्त में, अगस्त में जाएंगे। तो अगस्त में आप देख सकते हो कि हॉल टिकट तो आपका लास्ट महीने में ही जनरेट हो चुका है। उसके बाद में एग्जाम शेड्यूल कहाँ पे है, देखिए ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है, यानी कि आपको कंप्यूटर पे आंसर देना होगा, वहां पे ऑप्शन होंगे उसको आंसर, ये कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, या फिर आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे नंबर पे, या फिर हमारे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको बता सकते हैं कि क्या आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन से एमसीक्यूज आने वाले हैं। देखिए 7 और 8 को आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड की तरफ से आपको टीटी, यानी कि जो भी आप पढ़ाते हो उसकी टीटी के अनुसार ऑनलाइन क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में है 10 तारीख को, 10 तारीख को क्या है, 10 तारीख को इंजीनियरिंग ड्राइंग है और दोपहर को सॉफ्ट स्किल है। देख सकते हो कि सुबह के दौरान आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट देना होगा, उसके बाद में है सॉफ्ट स्किल का टेस्ट, ठीक है? तो इसके ये होने के बाद में 11 या फिर 11-12 को भी हो सकता है, या फिर जैसे कि डेट कन्वे, ये है टेंटेटिव शेड्यूल है, यानी कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके बाद में अगला है डायरेक्ट आपको इंडिपेंडेंस डे के बाद 16 तारीख को ट्रेड प्रैक्टिकल, यानी कि आपको अपना जो भी ट्रेड है उस हिसाब से ट्रेड प्रैक्टिकल दिया जाएगा, उसको करके दिखाना है। उसके बाद में 17 और 18 तारीख को आपको है ट्रेड मेथोडोलॉजी, यानी कि कैसे पढ़ाते हैं उसके बारे में आपको। तो आप देख सकते हो कि 18 और 19 को, 18 और 19 क्या है, 18 और 19 को है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का प्रैक्टिकल, या किसी कि आप किस प्रकार से पढ़ाते हो उसका प्रैक्टिकल, ठीक है? उसके बाद में आपका तो रोल पूरा खत्म हो गया, उसके बाद में है रोल उनका, यहाँ पे 29 को आपकी मार्क्स अपलोड हो जाएंगी, 29 को, 29-30 के बाद में कभी भी हो सकते हैं मार्क्स। उसके बाद में डायरेक्ट सितंबर महीने में आप देख सकते हो कि आपका रिजल्ट आ जाएगा, टेंटेटिव है 25 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि ओणम के नहीं, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थडे के 1 दिन पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी चतुर्थी के बाद भी रिजल्ट आ सकते हैं आपके, या फिर इसके बाद में भी आ सकता है, क्योंकि
चेंजेस तो होने वाले हैं, मतलब इससे पहले भी ऐसे आरपीएम में हो चुका है कि जो जो भी डेट्स वो देते हैं उसमें आगे पीछे होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि आप देख सकते हो कि बहुत सी चीजें ऐसे हैं कि क्या है कि आगे पीछे होते हैं, कभी कभी क्या है कि स्लॉट नहीं मिल पाता या फिर सही से एग्जाम नहीं हो पाती है। तो डेट्स हमने आपको बता दी है, आप भी आपके ऊपर है भाई लोगों, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, पढ़ाई जीतना है ना आरपीएल। हाँ चलो ठीक है फिर।